नमस्कार, मैं समुदाय रावत। आज आपको ईयर द्वितीय वर्ष में हमारा जो पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण, इस पेपर में पढ़ूंगा। और आज का हमारा प्रकरण है नवाचारी शिक्षण विधियाँ। देखो, नवाचारी शिक्षण विधियाँ तकनीकी युग की शिक्षण विधियाँ कहलाती है, जिसमें नवाचार को अपनाया जाता है। तो इसमें कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधियों को काम में लिया जाता है, जिसमें तमाम प्रकार के जो ब्राउजर्स हैं उन ब्राउजर्स के माध्यम से शिक्षण विधियों का, नवीन शिक्षण विधियों का पता लगाया जाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाया जाता है। सुचारू रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए नवाचारी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। नवाचारी शिक्षण विधियाँ जो है कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधियाँ कहलाती है, जो एक खोज प्रणाली के आधार पर होती है। खोज प्रणाली शिक्षक करते और शिक्षक और छात्र मिलकर जो है, शिक्षक जो है छात्रों के साथ मिलकर नवीनतम जो शिक्षण विधियाँ उनका पता लगाते हैं, ब्राउजर्स में खोजबीन करते हैं, तमाम प्रकार के ब्राउजर्स उपलब्ध हैं और उनके आधार पर जो है शिक्षण प्रक्रिया को जो है आसान बनाया जाता है और जो है कारगर से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है कारगर से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा प्रकरण नवाचारी शिक्षण विधियाँ, इसके विषय में जानेंगे। नवाचारी शिक्षण विधियाँ यह जो है ब्राउजर्स पर आधार रहती है। नवाचारी शिक्षण विधियाँ है विधियों को अपलोडिंग करना। ठीक है, और तमाम प्रकार के जो शिक्षण विधियों को अपलोड किया जाता है। ठीक है, और उसके माध्यम से शिक्षण
शिक्षण नदी में तो मुझे वो क्या करते हैं सुगम बनाते हैं ना। यह जो है शिक्षण विधियां जो है हम देखते हैं कि शिक्षण विधियां प्रभावी शिक्षण अधिगम हेतु उपयोग में लाई जाती है। शिक्षण विधियां प्रभावी शिक्षण अधिगम हेतु उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। और यह विधियां शिक्षण अधिगम में रोचकता प्रदान करती है। क्योंकि जिस विषय का अध्ययन करवाया जा रहा है उस विषय से संबंधित ही शिक्षण विधियों का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, यह जो है ब्राउज़र की आदान नामक प्रक्रिया से समझ सकते हैं, ठीक है। आदान नामक प्रक्रिया से समझा जाता है मेमोरी में भंडारी हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि नवाचारी शिक्षण विधियां एक शिक्षक उपयोग में लाता छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों को अधिगम करवाना है और अधिगम सुगम हो, सरल हो, आसान हो, प्रभावी हो, इसलिए जो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। कंप्यूटर में ब्राउजर्स होते हैं, उन पर शिक्षण विधियों को लाने के लिए आधार किया जाता है। अध्ययन का मतलब है अपलोडिंग करना और अपलोडिंग जो है मेमोरी में भंडारित हो जाता है। उसके बच्चा विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को जो है देखा जाता है और किस विषय वस्तु की कौन सी शिक्षण विधि है उसका उपयोग किया जाए, वही नवाचारी शिक्षण विधि है। उसका उपयोग शिक्षक समयानुसार और प्रस्तुति के अनुसार करता रहता है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसमें जो ब्राउजर्स है उसका उपयोग नियमित रूप से हमारे सामने आता है। फिर कंप्यूटर में ब्राउजर्स के माध्यम से शिक्षण विधियों को अपलोडिंग करना कार्य किया जाता है। यह कुछ एक कार्य प्रणाली है जिसको किया जाता है, कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली को किया जाना सुनिश्चित होता है। फिर अब इसके माध्यम से क्या होता है, ब्राउजर्स पर जो शिक्षण वीडियो को अपलोड कर दिया है तो
उसके माध्यम से शिक्षा छात्रों के साथ मिलकर शिक्षण जीवन प्रक्रिया को सुगम तथा सरल बनाते हैं, ठीक है। और कैसे बनाते हैं, तो शिक्षण विधियां क्या करती है, प्रभावी शिक्षण अधिगम हेतु उपयोग में लाई जाती है और यह विधियां शिक्षण अधिगम में औचकता प्रदान करती है, ठीक है। क्योंकि जो एक शिक्षक है वो जो है विषय वस्तु से संबंधित ही जो है शिक्षण विधियों को काम में लेता है ना, क्योंकि शिक्षा विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण विधियों को काम में लेता है। शिक्षण विधियों की खोज जो है इसके अंतर्गत की जाती है, ठीक है। तो नवाचारी शिक्षण विधियों के बारे में हमने इन इन बातों को जाना, अब इससे संबंधित और इसके आगे क्या है इसके विषय में भी जानते हैं। ब्राउज़र्स ने ब्राउज़र्स विभिन्न प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए कार्य में लिया जाता है। ब्राउज़र्स को विभिन्न प्रकार की प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। ब्राउज़र्स को विभिन्न प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तमाम प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर सूचनाओं से तात्पर्य है हमारे लिए कौन सी सूचनाएं, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक के लिए विषय वस्तु से संबंधित
शिक्षण विधियां। विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण विधियां, ठीक है। यह सूचना विभिन्न विद्वानों द्वारा या विषय विशेषज्ञ के द्वारा काम में या प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से ब्राउजर जो है काम में लिए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है।
इन ब्रदर्स की सहायता से तमाम प्रकार की सूचनाएं अपलोड की जाती है और फिर शिक्षक द्वारा आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए किया जाता है जिसको हमने प्रभावी शिक्षण अधिनियम, क्योंकि प्रभावी शिक्षण अधिनियम प्रभावी शिक्षण अधिनियम हो, इसलिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से ब्राउजर से फायरफॉक्स, सिल्मो की मौजूदा वगैरह और क्रोम। क्रोम में हम चीज देखते हैं यहां जो है गूगल पर उपलब्ध होता है, गूगल साइट पर उपलब्ध होता है। गूगल वेबसाइट, ठीक है, ये साइटें गूगल वेबसाइटें ये तमाम प्रकार की है, खोज भी की जाने वाली साइटें, खोज भी हेतु उपलब्ध साइट्स जिनका उपयोग यूजर आवश्यकता अनुसार करता है, जिनका उपयोग ये यूजर से तात्पर्य व्यक्ति, ठीक है, और यह व्यक्ति से तात्पर्य शिक्षक, व्यक्ति आवश्यकता अनुसार करता है। जिनका उपयोग एक यूजर जिसको व्यक्ति बोलते हैं, व्यक्ति से तात्पर्य हम लोग शिक्षक मान सकते हैं, शिक्षक और शिक्षक यहाँ पर विद्वान की भूमिका में, विद्वान, ठीक है, शिक्षक यहाँ पर विद्वान की भूमिका में। तो यूजर व्यक्ति आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करता है, खोजबीन करता है, खोजबीन के लिए साइटें उपलब्ध होती है। ठीक है, ये साइटें जो है ये साइटें कहाँ होती है, तो कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन जिसको मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि नवाचारी शिक्षण विधियां के अंतर्गत हम क्या जानेंगे कि ब्राउजर्स का उपयोग किया जाता है, ब्राउजर्स तमाम प्रकार की जो साइट है उन साइट पे जाना पड़ता है और अलग अलग ब्राउजर्स है, वहाँ ब्राउजर्स पे जाते हैं और वहाँ पर जो भी आप शिक्षा प्रक्रिया को अपना रहे हैं, जो भी विषय वस्तु उससे संबंधित प्रभावी शिक्षण अधिगम हेतु शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियों का चयन इसलिए किया जाता है ताकि बाल केंद्रित शिक्षा
का माध्यम जो है बन सके, शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित बन सके, बालक जैसा चाहता है उसके अनुरूप उसके अनुसार शिक्षण नीतियों का उपयोग विषय वस्तु का सामंजस्य स्थापित करते हुए जो है यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो हमने देखा नवाचारी शिक्षण नीतियों के बारे में जो तमाम प्रकार की बातें हमारे सामने आती है। यह पूरी जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी प्रक्रिया है। इसे हम कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे? पूर्ण रूप से यह तकनीकी प्रक्रिया है, तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया, क्योंकि तकनीकी और तकनीकी कोई हम दूसरे नाम से नवाचारी नाम से जानते हैं, तकनीकी का दूसरा नाम है नवाचारी, मतलब नयापन। नयापन हो शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण जो प्रक्रिया चलती है उसमें नयापन हो। ठीक है, अब और इससे संबंधित क्या बात है इसके विषय में हम सबसे पहले इन शिक्षण विधियों को, प्रभावी शिक्षण विधियों को अमेरिका देश में अपनाया गया था।
इन शिक्षक द्वारा नवाचारी शिक्षण विधियों को क्यों काम में लिया जाता है, एक शिक्षक द्वारा नवाचारी शिक्षण विधियों को क्यों काम में लिया जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको उत्तर देना है। तो छात्र जब का कोरोना महामारी में अपने आप को बचा कर रखो, सेफ रहो, भीड़ भाड़ से दूर रहो, मुंह पर मास्क लगाओ, ठीक है।